हिंदू सम्राट महाराज ने मेहर भोज को एक विशेष जाति का सम्राट बताने पर और कैथल में राजपूत समाज पर हुई लाठी चार्ज के विरोध में आज राजपूत समाज ने इकट्ठा होकर महाराणा प्रताप चौक पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि हिंदू सम्राट महाराज मेहर भोज की प्रतिमा पर एक जाति विशेष का नाम लिखने से राजपूत समाज में काफ़ी रोष है। इसका विरोध करने पर राजपूत समाज में कैथल में हुई लाठी चार्ज की भी निंदा की गई। साथ ही साथ राजपूत समाज में मांग की है कि यदि मेहर भोज के नाम के आगे से जाति विशेष का नाम नहीं हटाया गया तो राजपूती गांव से भाजपा का और उनके नेताओं का विरोध किया जाएगा, साथ में उन्होंने गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले चुनाव में भाजपा के विरोध में वोट भी नहीं डालेंगे। मौके पर राजपूत नेता विजयराज, राकेश चौहान, बलवाड़ी शक्ति चौहान, गोठड़ा, पवन गढ़ू, भवानीपुरा, मोहित चौहान, कुंडल, दिनेश चौहान, कुंडल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पवन चौहान, गांव कड़ू, भवानीपुर। ये विरोध हो रहा है आज, जो इकट्ठे हो रहे हैं, पुतला जलाया है, क्या कारण है, क्यों हो रहा है ये? समस्त राजपूत समाज यहाँ आज जिला रेवाड़ी में इकट्ठा हुआ है महाराणा प्रताप चौक पे। सब समस्त समाज ने मिलकर खट्टर सरकार का पुतला फूंका है। हमारे समाज के अंदर मतलब कि ऐसा हमारा इतिहास चोरी कर रहे हैं, जो अलग बिरादरी के गुजर बिरादरी के लोग हमारे इतिहास के ऊपर छेड़खानी कर रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आगे भी गुजर लगा दिया, सम्राट मिहिर भोज के आगे भी गुजर लगा दिया, और भी मतलब उनका प्रयास जारी है आगे भी कि भाई हम वैसी वो रिकॉर्डिंग वायरल भी हो रही है गुजर समाज के कुछ लोगों की कि हम आगे भी कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही कैथल में हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ है, सबको पता है, पूरा हरियाणा सरकार को पता है, समाज सरकार इसको अनदेखा कर रही है। तो हम समस्त राजपूत समाज के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि राजपूत सिर्फ केवल वोट देने के लिए नहीं है, राजपूतों का भी अपना अधिकार है। अपने इतिहास को बचाए रखने के लिए बीजेपी को वोट देते थे हमेशा, और कोई राजपूतों की कोई पार्टी है नहीं। मैं समस्त राजपूत समाज से निवेदन करता हूँ, गाँव मेरा नाम है पवन चौहान, गाँव कड़ू भवानी पर, समस्त राजपूत समाज से निवेदन करता हूँ केवल अपना झंडा अपनी सरकार बनाए और शेर सिंह राणा को राजपा राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी को ही वोट दे, केवल अभी राजपूतों का अस्तित्व बचाए रहेगा। इसके अलावा और कोई हमारे पास उपाय भी नहीं है। हम पुतला फूकने के अलावा, विरोध करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ना ही हमारा कोई सत्ता है, ना ही हमारी सरकार है। जब तक सरकार नहीं बनेगी सरकार राजपूतों की, तब तक इतिहास ऐसी चोरी होते रहेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश चौहान है जी, बलवाड़ी गांव से हूं मैं। और राकेश जी, आज ये जो विरोध हो रहा है, किस बात को लेके विरोध है और क्यों है? जैसा कि आप सभी ने देखा है कि जो कैथल में एक जो हमारे राजा मीर भोज की मूर्ति पे लिखा गया है, वीर सम्राट लिखा गया है, उसके ऊपर ये सारा विरोध हमने किया है। गुजर क्या है? वीर गुजर लिखा गया है, गुजर सम्राट मतलब मिहिर की भोज की जो प्रतिमा है उस पे चौहान या गुज्जर लिख दिया जी। ये सम्राट किसी एक बिरादरी के नहीं होते हैं, सम्राट 36 बिरादरी के होते हैं सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित चौहान, गांव कुंडल। ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं और क्यों आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग सरकार से यही है कि जो भी जाते जो राजपूत राजा है उनके सामने दूसरी बिरादरी गुज्जर सम्राट लगा के जो भी अपने मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि हिंदुत्व का काम सिर्फ राजपूत समाज ने ही उठा रखा है एक तरह से, बाकी तो जातियों में बांट रखा है सरकार ने। नाम कर रखा है हिंदुत्व की, राजपूत तो लगा देगी हिंदू हिंदू, बाकी सब अपनी बिरादरी है। तो हम चाहते हैं कि सम्राट जो भी राजा रहे हैं उनके सामने कोई जाति विशेष का शब्द यूज ही ना हो, हिंदू सम्राट लिख दो, कोई हमें ऐतराज ही नहीं है राजपूत समाज को। और कैथल के अंदर ना जाए जो लाठी चार्ज हुआ है, मांग रखने के ऊपर जो कोई उपद्रव भी नहीं था, बिल्कुल आराम से अपनी मांग रखने लगे कि भाई शब्द हटाओ, तो उसके ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया। तो बस यही मांग है कि उस नाम को हटाओ, जितनी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं सबके सामने से गुज्जर हटाओ और हिंदू लिख दो। बाकी सरकार से मांग है अगर, या तो पूर्णतः हमारी मांग मांग ले, मान ले, नहीं तो भाई हर गाँव में राजपूत गाँव में उनका बहिष्कार होना है बीजेपी सरकार का और पुतला भी फूंका जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज विजय है जी। विजय जी, ये क्या मामला है, किस बात का विरोध हो रहा है ये? सर, कैथल के अंदर सम्राट वीर भोज के ऊपर गुज्जर शब्द लिखा गया है, जो कि सम्राट किसी बिरादरी के नहीं होते, सम्राट 36 बिरादरी के होते हैं।
और ये राजनीतिक चाल चाली गई। उस चौक के ऊपर एक विशेष जाति का नाम लिया जी, उससे सम्राटों का नाम छोटे होते हैं कि सम्राट 36 बिरादरी के होते हैं, किसी एक बिरादरी के नहीं, जबकि 565 रियासतें हमने दान दे दी सरकार को इस हिंदू को बनाने, हिंदुत्व बनाने के लिए, और फिर हमारे सम्राटों के ऊपर जातियाँ लिखी जाती है। तो ये निराकार गलत हो रहा है। जो वहाँ एक अशोक गुज्जर है, एक वहाँ का MLA है, उनकी चाल है, वो ये धमकी देते हैं समाज को कि पुलिस प्रशासन हमारी जेब में है, हमारे कुछ युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जानबूझ के, तो जबकि CM साहब भी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये मांग है, वो नाम हटना चाहिए, सम्राट लिखा जाना चाहिए, हिंदू सम्राट लिख दो कुछ भी, परंतु किसी भी जाति का नाम नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। और जिनके ऊपर लाठी चार्ज किया, किस अनुशासन के कारण के, जो अनुशासन से अपनी मांगे मांग रहे थे, लोकतंत्र में अधिकार है प्रजा को अपना अपनी मांगे मांगने का, जबकि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, किस उस बेस पे किया, लाठी चार्ज करने वाले ऊपर भी जिनने करवाया है और जिसने ये राजनीति की है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांगे है हमारी। वर नहीं, BJP सरकार का हर गाँव में, क्षत्रिय गाँव में क्या, क्षत्रिय गाँव में विरोध होगा, और हम 2024 में वोटों से इसको तगड़ी चोट देंगे अगर ऐसे हुआ तो।